Hello everyone, we are back again. Find the value of ZL for maximum power transfer. ZL की value बतानी है जिसके लिए maximum power transfer होगी. तो मैं एक बार बता दूँ, एक बार note. जब when both ZL and ZTH are complex, अगर दोनों complex हैं तो क्या होगा, ZL जो होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ZTH का. ये रिलेशन होता है, ठीक है. अब ZTH फाइंड करेंगे हम. तो थेवेनिन इंपेडेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, करंट सोर्स जो होगा उसको ओपन करना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना, ठीक है. तो करते हैं. यहाँ पे देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस जो जो सोर्स हैं उनको हटा रहा हूँ. वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया मैंने, ठीक है. नेक्स्ट J20 करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन करना है. करंट सोर्स को ओपन कर दिए, बाकी का एज इट इज बनाना. -J10 ओम, ठीक है. अब क्या बचा, जेड एल को हटाना और हमें यहां से क्या करना है, जेड टी एच फाइंड करना है, ठीक है. तो हमें यहां से जेड टी एच फाइंड करना है. अब देखो इजी वे क्या है कि इसमें कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है. मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, हमें इनके बीच में निकालना, ठीक है. नाम दे दो कुछ. अब यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, यानी दोनों ये सेम पॉइंट होंगे. मैंने मान लिया ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, है ना. कुछ नहीं है ना इनके बीच में, और कुछ नहीं है तो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, ठीक है, यानी सेम पॉइंट है ये. नेक्स्ट मैंने नाम दे दिया ये इस वाले पॉइंट को वाई, ठीक है. अब यहां पे देखो मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूं, आसान तरीके से. पहले मैंने ए लिया, पॉइंट ए यहां पर आया. ए और एक्स के बीच में जो चीज है उसको यहां पे बना दो. ए और एक्स के बीच में देखो, ए और एक्स के बीच में -J10 कैपेसिटर है, -J10 ओम का कैपेसिटर, इंपेडेंस वाला कैपेसिटर है. और ए और एक्स के बीच में 80 ओम का रजिस्टर भी है, 80 ओम, ठीक है. नेक्स्ट ये दोनों बन गए. एक्स और वाई के बीच में क्या क्या, देखो पहले वाई पॉइंट मैंने यहां पे लिया. एक्स और वाई के बीच में 40 ओम है, और एक्स और वाई के बीच में 2 40 ओम के, ठीक है. यानी एक तो 40 ओम का ये रहा और एक 40 ओम का ये रहा, ठीक है. दो 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 40 ओम के लगे हुए. नेक्स्ट वाई और बी के बीच में एक ZAN का इंडक्टर है. Y और B के बीच में क्या, एक J20 ओम का इंडक्टर, ठीक है. तो ये सारे वो ड्रॉ हो गए. अब यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में, टोटल जो वो सीरीज में, ठीक है. तो हमें A और B के बीच में ही निकालना था ZTH जो था, ठीक है. तो ZTH जो आ जा गया कितना आ जाएगा, 80 पैरेलल -J10 प्लस 40 पैरेलल 40, ठीक है, ये वाला प्लस J20, ठीक है. अब इसको सोल्व करो. जब इसको सोल्व करेंगे 80 -J10 और 80 -J10, ठीक है. 40 × 40 और 40 + 40, ZTH इज इक्वल टू, हमने इसको सोल्व किया, ये आएगा -J9.85 +1.23. इन दोनों को सोल्व किया कितना आएगा, ये देखो 80 हो जाएगा. 80 से 40 टू टाइम्स कैंसिल, 2 से फिर 40 टाइम 20 टाइम कैंसिल. नेक्स्ट प्लस J20, जब इसको सोल्व करेंगे ZTH आएगा हमारा 21.23 प्लस J10.15, ZTH आ गया. मैंने बताया अगर दोनों लोड और थर्मल इंपेडेंस कॉम्प्लेक्स है तो क्या होता है रिलेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेते हैं बस. और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का तरीका मैंने बताई है, जो भी J से पहले का साइन है उसको अपोजिट कर देना. प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या किसका हो जाएगा, माइनस, ठीक है.
ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी इतने ओम, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से, ठीक है, आसान बनाने का तरीका यही है कि जब उस सर्किट में कुछ समझ ना आए तो इसी तरह से पॉइंट ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। तो कभी भी सर्किट ड्रॉ करने में मिस्टेक नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।